कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर, मध्य प्रदेश। प्रसंग को रागियों को एक वैरागी का दर्शन कराने का बहुत अच्छा अवसर आप लोगों को मिलता है कि संसार की मोह माया में उलझा हुआ ये प्राणी अपने अंदर की मोह माया से कैसे बाहर आ सकता है, कैसे संसार के बंधनों को, संसार के इस राग देश के चक्रों से बाहर निकाल करके अपने आप को कुछ समझ सकता है। जैसे कि आचार्य जी ने कहा था कि तुम्हारा ये शरीर है, पर ये शरीर तुम्हारा होकर के भी तुम्हारा मोह माया के चक्कर में फंसा करके हम इसका उपयोग सही नहीं कर पाते। काया से ही माया पली, ऐसा शब्द दिया है, और माया से भावित प्रभावित मति मेरी सन्मति हो सकती है, पर माया उपेक्षित हो तो। यानी सीधा सीधा सारभूत बात यही है कि जितने संसार के इस मोह माया जाल से जो जितना ऊपर उठ सका है उसकी मति सन्मति बनी है। मोह माया के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति की कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, बड़े बड़े ग्रंथों को अच्छे से समझने वाला क्यों ना हो, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने वाला क्यों ना हो, लेकिन थोड़ी सी भी मोह माया के चक्कर में फंस जाता है तो सब कुछ ग्रंथ वगैरह भी काम नहीं आते। आचार्य श्री एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जब भगवती आराधना पढ़ा रहे थे उस समय कहा था कि देखो संलेखना के समय पर जब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े उपाध्याय जिनने जीवन भर उपाध्याय परमेष्टिकों का काम किया है, बड़े बड़े ऐसे साधक बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं और अच्छे बड़े प्रवचनकार भी हैं, समझने और समझाने वाले हैं, लेकिन संलेखना के काल में काम आता है तो महामंत्र नवोकारी मंत्र आता है। लेकिन तत्व ज्ञान का अभ्यास किया हुआ है उसकी मति में वो तत्व ज्ञान के संस्कार पड़े हुए हैं तो वह अपेक्षा जब वो कसायों से रहे तो मोह माया से रहित हो तो वो ज्ञान ही उसका काम आता है, तभी मति सन्मति बन पाती है। जो काम बड़े बड़े साधक नहीं कर पाते, एक बड़े अच्छे साधना का काल करने, साधना का जीवन जीने वाले व्यक्ति वे ऐसे दुर्लभ क्षणों को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, और एक श्रावक भी कभी कभार अच्छे उत्तम परिणामों के साथ रहता है तो उसकी मति को सन्मति बना लेता है, मोह माया से शांत परिणाम हो जाता है,
आसान परिणाम हो जाता है तो उसका भी जीवन सफल हो जाता है। वही कि हमें इस बात का ध्यान रखना कि छल कपट की जिंदगी से उपेक्षित होकर के जीवन जियोगे, उपेक्षित अर्थात उससे दूर होकर के, है ना। छल कपट से लोग कहते हैं मैं किसी की उपेक्षा कर रहा हूं, नीति और आगम और भगवान की वाणी कहते हैं सबसे पहले तुम दूसरों की उपेक्षा करो या ना करो, पर अपनी उपेक्षा पहले करते हो। हमारी आसाधना पहले होती है, अपने गुणों की आसाधना पहले होती है, क्योंकि जब हम दोष में दृष्टि लाते हैं तो हमारे गुणों का नाश होता है, और हम गुण में दृष्टि लाते हैं तो हमारे दोषों का नाश होता है। जिस समय आपकी अच्छाई की ओर दृष्टि होगी आपकी बुराई का अंत होगा, और जिस समय हमारी बुराई ओर दृष्टि होगी उस समय आपकी अच्छाई का अंत होगा। बस एक समय में दोनों नहीं हो सकते, अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं हो सकते। जिस समय हमारे परिणामों में निर्मलता है, भद्रता है, परिणामों में सौम्यता है, उस समय क्रोध हो ही नहीं सकता, मायाचारी हो ही नहीं सकती, लोभ हो ही नहीं सकता, मान आदि किसी प्रकार का हो ही नहीं सकता, शांत होता है। ऐसे ही वही परिणाम ही आपकी मति को सन्मति बनाने का हो सकता है। प्रसंग चल रहा है कि वह मुख माटी का कि देखो उपेक्षा करते हुए माया से रहित होकर के अब कुंभकार पानी भरने गया है, पानी के भरने के लिए उसने कुएं पर पहुंच गया है, और कुएं पर पहुंचते ही उसने एक और प्रसंग देखा है, मछली। कुएं में क्या देखी है? उस मछली को जिसकी मूर्धना ऊपर है, देख रही है, अपेक्षा कर रही है। तो अब वही मछली का संवाद और मछली के मन की बात आप लोगों के सामने आ रही है। देखिए पेज नंबर है 67, है ना, 67 पेज पर ऊपर का अंधकूप में पड़ी हूं मैं। मछली ने विचार, उसको देखा, शिल्पी को देख करके मन में उसके भाव आ रहे हैं। अंधकूप में पड़ी हूं मैं, कुरूपता की अनुभूति से कूप मंडूक सी। कुरूपता के इनमें अपने आप के स्वरूप को नहीं देख रही हूं, अपने अंदर के दोषों को नहीं देखता, हुए रूप उसका इतना अच्छा है आपने आपको ना देखते। कुरूपता की अनुभूति वो कैसी कर रही है अनुभूति, क्योंकि मुझे कोई चाहने वाला नहीं है। एक जैसे लोकमानस में एक लोगों की युक्ति होती है, महाराज हम इतने ज्यादा दिखा मैं सुंदर नहीं है इसलिए हमारे लोग कोई चाहत नहीं है। यहाँ पे मछली की धारणा भी क्या बनाई जा रही है, अगर हम दिखने दिखाने में अच्छे तो दुनिया चाहती, लेकिन उसको ऐसा कि अंधकूप में पड़ी हूं मैं कुरूपता की अनुभूति से, क्योंकि अच्छे नहीं है लगता है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है। कूप मंडूक सी, कूप मंडूक, मंडूक अर्थात कूप मंडूक को इसका अर्थ कहते हैं कि माँ तो अपने आप की इतनी सीमित शोक, यहां से मुझे बाहर नहीं आना चाह सकते, उसको कूप मंडूक कहा जाता है। माँ जिसकी सोच बस इतना ही सोचता है, मेरा काम सिर्फ इतना ही है, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, घर से दुकान, और कोई काम, और कोई काम में नहीं पड़ना है, नहीं इससे भी हटकर कूप मंडूक मत बनो, थोड़ी विशाल दृष्टि बनो। इसको कूप मंडूक का तो संकीर्ण दृष्टि है ना, कुएं का मेंढक भी कह देते हैं उसको। तो वैसे ही उसने सोचा कि मेरी संकीर्णता कुरूपता की अनुभूति से कूप मंडूक सी स्थिति है मेरी, मेंढक की तरह, जैसे वो मेंढक सोचता है कि दुनिया में इससे बड़ा और दूसरा कोई संसार है ही नहीं है,
क्योंकि मैं जितने में रहता हूं इतना ही है। कथा मिलती है कि एक बार एक राजहंस पहुंचा कुएं के ऊपर, किनारे बैठा है, तभी एक कुएं का मेंढक पूछता है कि का भाई कहां से आए हो? तो बोले कहता मानसरोवर से है? तो मानसरोवर कहां पर है? बोले कि प्रकृति के पहाड़ों की सुंदर गोद में। कहले कि कितना बड़ा है? तो वो कहते बहुत बड़ा है। तो उसने अपने पैर के फैला दिए। बोले इतना बड़ा नहीं, इससे तो कई गुना बड़ा है। तो उसने एक छोटी सी छलांग लगा दी। बोले कि इतना बड़ा? तो बोले कि इतना बड़ा नहीं, इससे कई गुना बड़ा है। तो पर कहता है उस मेंढक ने कुएं के इस किनारे से उस किनार तक छलांग लगा दी। संसार है ही नहीं है। बोले कि आप कल्पना मत करो। तो वो उसने कहा भाई इससे बड़ा? तो कुआ का मेंढक कहता है झूठी बोलत, इससे बड़ा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि बाहर निकले तो देखे। जिसकी दृष्टि ही मात उतने तक सीमित हो, वैसे ही लोक में लोगों को लिए यही कहा जाता है कि अपनी दृष्टि को संकीर्ण दृष्टि मत बनाओ, कूप मंडूक मत बनाओ, सोच को थोड़ा विशाल रखो, सोच को थोड़ा सा फैलाओ, अच्छे से देखने की कोशिश करो। जितना हम सोचते इससे हम कर नहीं सकते, इससे तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं। तो भूक वही बात है, वहां पर वो अपने आप को सोच रही है और सोचते हुए कूप मंडूक सी स्थिति है मेरी है? गति मति और स्थिति सारी विकृति हुई है। गति भी विकृत हो गई है, मति भी विकृति हो गई है, और हमारी स्थिति सारी कैसी है? विकृत हुई है। स्वरूप स्वभाव ज्ञात कैसे हो? मुझे अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का ज्ञान करना है, ज्ञात करना है, कैसे होगा? कैसे भाव, उसकी जिज्ञासा, उसके अंदर प्रश्न है चल रहे हैं। ऊपर से प्रेरित तो होकर मुस्तक एक किरण भी तो नहीं आती, कोई समझाने वाला, कोई बताने वाला, कोई दिखाने वाला, एक आध किरण भी तो नहीं आती। और मछली के मुख से निकल पड़ी क्या? और मछली के मुख से निकल पड़ी दीनता घुली ध्वनि की, दीनता से घुली हुई ध्वनि की, इस अंधकूप से निकालो, इस अंधकूप से निकालो इसे कोई। और उस हंस रूप से मिला लो इसे कोई। मुझे इस कुएं से निकालो, मुझे उस विशाल मानसरोवर राजहंस की तरह विशाल रूप में मिला लो। ऐसे स्वरूप में मुझे मिलना है, स्वरूप को मुझे पाना है। आप लोगों को ये संबोधन है, विचार करना, क्या तुम्हारा इतना ही जीवन है? क्या ये तुम्हारा यही जीवन है? क्या इससे पहले तुम्हारा कोई जीवन था? आगे तुम्हारा जीवन क्या होगा? यानी अपने आप को मात्र इस मनुष्य पर्याय तक सीमित मत समझिए कि मेरा बस इतना ही जीवन है, इससे भी बड़ा और विशाल जीवन है। वही बात यहां है कि तुम अपने उस मान सरोवर के उस विशाल संसार को देखने की कोशिश करो कि तुम कितनी कितनी भाव में और कितनी भाव भ्रमणों को करते हुए, भटकते हुए, नाना योनियों के दुख सुख
का अनुभव करते हुए यहाँ पहुंचे हो और कब तक पहुंचते भक्त तकते रहोगे। इसलिए मात्र अपनी सोच क्या हो जाती है, अभी इतना ही है कि बस अभी इतना ही संसार है, अब और आगे की कछु नहीं सोचना। वो तो यही है कि वहीं 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 घूमता घूमता वहीं वहीं रहते रहते विचार करता रहता है कि बस अभी कुछ नहीं करना, अभी तो ये काम करना है, अभी इसके लिए काम करना है, अब इसका काम करना है, अपना क्या करना है, कुछ नहीं कर पाता। एक बहुत अच्छा प्रसंग आए पढ़ा, दो मित्र थे, बड़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी दोनों की, और मित्रता ऐसी थी कि सुबह से लेकर के अगर उनकी शुरुआत हो तो जब तक आपस में मिलना लें तब तक उनकी दिन की शुरुआत नहीं होती थी, अच्छे मित्र थे। पर हुआ एक कि परिणामों में कौन किसका क्या हो सकता है, एक मित्र को साधु संगति मिल जाती है और उसको वैराग्य हो जाता है, धंधा पानी काम करने वाले हैं, दुकानदारी का काम करने में बिजनेस करने वाले हैं, पर एक को वैराग्य भाव जागा, उसको वैराग्य हो गया, वो मुनि बन गया। लेकिन बचपन का मित्र तो आखिर मित्र ही था, और यहां तक कि चरम सीधना है कि उसको अच्छा रिद्धि संपन्न और अवधि ज्ञान तक उस मित्र को हो गया। अब देखिए इधर उसका जो दूसरा मित्र है वो घर गृहस्थी के चक्कर में फंसा है। अब हुआ ये कि एक बार वो विहार करते हुए नगर में पहुंचे और पता चला कि मित्र मेरा आया है, मुनि बन गया है, तो घर में रहने वाला मित्र वो ना जाए ऐसा हो सकता है? अरे भाई, जिनके साथ हम पढ़े, जिनके साथ लिखे, जिनके साथ खेले कूदे, बचपन का मित्र है, वो उनके पास पहुंचा और पहुंच करके जैसे ही पहुंचा, भाई देख मैंने तो अपना कल्याण कर लिया, मेरा भाव है कि तू भी मेरे इस मार्ग पे आ जा, तू भी अपना कल्याण कर ले, मैं तो यही चाहता हूं, बस मैं सोच ही रहा हूं तुम कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, बस ये थोड़ा सा ही काम निपट रहे, क्या 2 साल में बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, आ ही रहे तुम्हारे पास आके, अपन फिर दोनों मिलकर के क्या करेंगे, आत्म कल्याण करेंगे। उन्हें कहा कितना समय लगेगा, बोले कि बस क्या हुआ कि ये थोड़ा सा बेटा बड़ा हो जाए, इसको जिम्मेदारी सौंप दो, दुकानदारी समझा दो, और उसके बाद फिर बस तुम्हारे साथ ही रहना है मुझे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी सागर, मध्य प्रदेश।